हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सागर बाल मंच पर। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था दो अंकों की संख्याओं की टेबल बनाना। आज हम सीखेंगे दो अंकों की संख्याओं के वर्ग निकालने की आसान ट्रिक। दो अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालने की आसान ट्रिक। इसके लिए बच्चों हमें एक से लेकर दस तक की संख्याओं के वर्ग याद होना आवश्यक है। तो चलिए हम लिखते हैं एक से दस तक की संख्याओं के वर्ग। एक का स्क्वायर बराबर एक गुणा एक बराबर एक। दो का स्क्वायर दो गुणा दो बराबर चार। तीन का स्क्वायर तीन गुणा तीन बराबर नौ। चार का स्क्वायर चार गुणा चार बराबर सोलह। पाँच का स्क्वायर पाँच गुणा पाँच बराबर पच्चीस। छः का स्क्वायर छः गुणा छः बराबर छत्तीस। सात का स्क्वायर सात गुणा सात बराबर उनचास। आठ का वर्ग आठ गुणा आठ बराबर चौंसठ। नौ का वर्ग नौ गुणा नौ बराबर इक्यासी। और दस का वर्ग बराबर दस गुणा दस बराबर सौ। तो चलिए बच्चों आज हम सीखते हैं दो अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालने की ट्रिक। तो चलिए हम देखते हैं बारह का स्क्वायर। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं बारह गुणा बारह। तो ट्रिक के लिए क्या आवश्यक होना जरूरी है, इसके लिए हमें एक से लेकर दस तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। तो चलिए हम निकालते हैं अपनी आसान ट्रिक, बारह का वर्ग निकालना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इकाई दहाई इकाई वाले अंक का वर्ग निकालना पड़ता है। तो इकाई वाला अंक यहाँ पे है दो, दो का वर्ग होता है चार। इसके लिए हमें इकाई वाले अंक को दो अंकों में लिखना आवश्यक है। जैसे दो का वर्ग चार होता है, तो इसको हम लिखेंगे दो का वर्ग बराबर चार। इसे हमें लिखना है दो अंकों में, जैसे हम इसको लिखेंगे जीरो चार, और एक का वर्ग होता है एक। ठीक है, अब ध्यान देना, दो का गुणा एक में करेंगे, दो गुणा एक, दो एकम दो, और इस का गुणा करेंगे अपन दो में, जितने की पावर लगी है। दो एकम दो और दो दूनी चार, चार आया। इसे हमें जो पहले वाली संख्या है उसके इकाई अंक को छोड़ते हुए आगे के अंकों में ऐड कर देना है इस प्रकार से। तो चार का यहाँ चार जोड़ देंगे हम, हो गया 144। तो 12 का स्क्वायर होता है 144। इसकी हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, जैसे हमें उत्तर की जांच करना है तो 12 दूनी 24, 24 का 4 हासिल 2, 12 एकम 12 और 2 14। देखो हमारा आंसर सेम टू सेम आया। ठीक है, चलिए हम देखते हैं 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर इसे हम लिख सकते हैं 13 गुणा 13। ये हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम उत्तर की जांच करके दिखा सकें कि हमने ये सही किया है या नहीं। चलिए देखते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 तिया 9। इसे हमें दो अंकों में लेना है, तो 3 तिया 9 जीरो 9 लिखेंगे। 1 का स्क्वायर एक ही होता है, तो हम इसे 1 लिख लेंगे। अब 3 गुणा 1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसे इकाई अंक को छोड़ते हुए आगे के अंकों में ऐड करना है, 6 लिख देंगे। फिर इसको हम ऐड कर देंगे, 9 का 9 ही 9, 6 का 6 ही 6 और 1 का 1 ही 1, 169। 13 का स्क्वायर आ गया 169। चलिए हम उत्तर की जांच करते हैं, 13 ती 39, 39 का 9 हासिल 3, 13 एकम 13 और 3 16। देखो सेम टू सेम उत्तर आया ना, मीन्स हमारा उत्तर सही है।
मीन्स हमारी ट्रिक सही है। चलिए हम 14 का वर्ग निकालना देख लेते हैं। 14 का स्क्वायर, 14 को लिखेंगे 14 × 14, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर इसे लिख लिया हमने 14 × 14। 14 में हम देखेंगे इसका इकाई अंक 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ये ऑलरेडी 2 अंकों में ही आ रहा है, इसलिए हम इसके आगे 0 नहीं लगाएंगे। 4 × 16 और 1 का वर्ग होता है 1। अब क्या करना है, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। पीछे का 1 अंक छोड़ देंगे और आगे वाले अंकों में से हम ऐड करेंगे। 6 × 6 = 6, 8 × 1 = 9 और 1 × 1 = 1। 14 का वर्ग कितना आ गया, 196। तो इसका हम उत्तर की जांच करेंगे। 14 × 6 = 56, 56 × 6 हासिल 5, 14 × 14 और 5 = 19। देखो सेम टू सेम उत्तर आया, मीन्स हमारा ट्रिक सही है। इसी प्रकार हम आगे की संख्याओं का भी वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे अब हम निकालते हैं 16 का वर्ग या 15 का वर्ग भी निकाल सकते हैं। चलिए 15 का निकाल लेते हैं। 15 का स्क्वायर बराबर 15 × 15, ठीक है। इसके लिए हमें वही ट्रिक अपनानी है। 15 में इकाई अंक क्या है, 5, तो 5 का स्क्वायर होता है 5 × 25। ये भी 2 ही अंकों में है, इसलिए हम इसके आगे 0 नहीं लगाएंगे। 5 × 25, 25 और 1 का वर्ग होता है 1, ठीक है। अब क्या करना है, 5 × 5, 5 × 5, 5 × 2 = 10। पीछे का 1 अंक छोड़ देंगे और आगे के अंकों में हम 10 को ऐड करेंगे। 5 × 5 = 5, 2 × 2 = 2, 1 × 1 = 2, कितना आ गया 225। 15 का स्क्वायर होता है 225। आइए उत्तर की जांच करते हैं। 15 × 5 = 75, 75 × 5 = 7, 15 × 15 और 7 = 22। सेम टू सेम उत्तर, मीन्स हमारी ट्रिक सही है। इसी प्रकार हम आगे की संख्याओं का भी वर्ग निकाल सकते हैं। तो बच्चों आपको ये ट्रिक कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना और हमारे चैनल सागर बाल मंच को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल पर डाली गई सभी वीडियो की लिंक मिलती रहे। थैंक यू।